हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 8 इजी हैंड ग्रिपिंग एक्सरसाइजेस के बारे में। वीक हैंड ग्रिपिंग की प्रॉब्लम जनरली रिस्ट या हैंड फ्रैक्चर में होती है, या फिर कार्पल टनल सिंड्रोम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्म और हैंड मसल स्ट्रेन और टेनिस एल्बो जैसी ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में होती है। ये दिक्कत कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में भी आती है, जैसे पार्किंसंस डिजीज हो गई और स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक कंडीशन में सबसे पहले आपके लेग मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट आती है, फिर आपके आर्म्स मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट आती है, लेकिन इसमें फिंगर मूवमेंट बहुत लेट से आते हैं और अगर फिंगर मूवमेंट ठीक नहीं है तो फिर आपके ग्रिपिंग में भी दिक्कत आएगी। इन दोनों कंडीशंस के अलावा जिन लोगों का प्रोफेशन ऐसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है जिसमें हैंड ग्रिपिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे क्लाइंबर्स और जिमनास्ट, तो वो लोग भी ये हैंड ग्रिपिंग एक्सरसाइजेस करके अपनी हैंड ग्रिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज से। ये है एक फिंगर स्ट्रेचर, इसे आप शॉप से भी परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस पैकेट में 3 फिंगर स्ट्रेचर हैं, इन्हें इनकी इलास्टिसिटी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। इसमें जो स्काई ब्लू कलर का है उसकी इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए जो बिगनर्स हैं वो सबसे पहले इसी से एक्सरसाइज करें और जैसे जैसे फिंगर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी आप बाकी दोनों का यूज़ कर सकते हैं। इससे एक्सरसाइज करने के लिए आप एक एक करके अपनी सभी फिंगर्स को फिंगर स्ट्रेचर के लूप में इस तरह से डाल दीजिए। और इसके बाद इस तरह से फिंगर्स को स्ट्रेच करना स्टार्ट करिए। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं और एक बारी में 30 से 40 बार कर सकते हैं। इस फिंगर स्ट्रेचर से एक्सरसाइज करके आपकी हाथ की ग्रिप स्ट्रेंथ और साथ ही साथ रेंज ऑफ मोशन दोनों इम्प्रूव होगा। इसके अलावा इससे एक्सरसाइज करके फिंगर डेक्सिटी भी इम्प्रूव होती है। जो लोग गिटार और वायलिन प्ले करते हैं और जो लोग टाइपराइटर्स होते हैं तो उनके लिए ये एक्सरसाइज करना बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिंगर एक्सरसाइजर हैंड ग्रिपर का इस्तेमाल करना है। ये एक्सरसाइज करने के लिए आप इसे इस तरह से पकड़िए, फिर स्प्रिंग को अपनी तरफ खींचिए, इसे आप 4 से 5 सेकेंड के लिए होल्ड करिए और फिर वापस स्टार्टिंग पोजिशन में आ जाइए। इस सेम एक्सरसाइज को आप दिन में 3 से 4 बार करिए और एक बारी में 20 से 25 बार करिए। इसके बीच में अगर आप चाहें तो ब्रेक भी ले सकते हैं। इसमें जो 4 स्प्रिंग्स हैं वो डिटैचेबल हैं, जो आपकी हैंड मसल्स को हैवी रेजिस्टेंस देती हैं। इसमें आप अपने कंफर्ट के हिसाब से स्प्रिंग्स को डिटैच करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज को रेगुलर करते हैं तो इससे आपकी हैंड मसल्स में ग्रेजुअली स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुटी के साथ। ये पुटी बड़ी ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है, इसे आम भाषा में चिकनी मिट्टी कहते हैं। ये इजीली आपको मेरा शॉप्स पर मिल जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छा टूल है आपके हाथ की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। एक्सरसाइज के लिए आप एक एक करके अपनी सभी फिंगर्स का इस्तेमाल करके इस पुटी को इस तरह से तोड़ना शुरू करें। और फिर उसके बाद सेम हाथ से पुटी के सभी पीसेस को इकट्ठा करके उसे गोल शेप में वापस बनाने की कोशिश करें। पुटी एक्सरसाइजेस से हैंड और फिंगर्स की डेक्सटिलिटी भी इम्प्रूव होती है, लेकिन उसकी कुछ अलग एक्सरसाइजेस होती हैं, उनकी एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी। फिलहाल ये एक्सरसाइज हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक इस तरह के बैंड की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सरसाइज करने के लिए आप इस बैंड को इस तरह से अपने हाथ में एट द बेस ऑफ योर फिंगर जॉइंट पर पहन लीजिए। पहनने के बाद फिर धीरे धीरे थंब को बाहर की तरफ मूव करिए, कुछ देर रोकिए और फिर वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर ले आइए। इस एक्सरसाइज को भी आप एक बारी में 20 से 25 बार कर सकते हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक अच्छी हैंड ग्रिप के साथ आपको अपनी रिस्ट को अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करना है। इसके लिए आप 1 kg का वेट लीजिए। अगर वेट अवेलेबल नहीं है तो आप एक लीटर की बॉटल भी ले सकते हैं, उसे पानी से भर लीजिए तो उसका इस्तेमाल भी आप 1 kg के वेट की जगह पर कर सकते हैं। उसके बाद इस वेट को या 1 लीटर की बॉटल को हाथ में अच्छे से ग्रिप करके रिस्ट को ऊपर नीचे इस तरह से मूव करिए। टेन टाइम्स मूव करने के बाद आप फोरआर्म को इस तरह से मिड प्रोन पोजीशन में ले आइए और फिर इस तरह रिस्ट को ऊपर नीचे मूव करिए। इसे भी आप 10 टाइम्स करिए। इसके बाद रिस्ट पर सर्कमडक्शन मूवमेंट करना है। इसमें आप रिस्ट को 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करिए। ये एक्सरसाइज आप दिन में 4 से 5 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप एक पेपर लीजिए और उसे इस तरह से अपनी 2 फिंगर्स के बीच में दबाइए और फिर इसे अपनी फिंगर्स के बीच में से इस तरह से निकालने की कोशिश कीजिए। पेपर खींचते समय आपको अपनी फिंगर से पेपर को मैक्सिमम फोर्स के साथ दबाना है ताकि वो आसानी से उंगलियों के बीच में से ना निकल पाए। ऐसा आप हर फिंगर के साथ 10 to 15 times करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों हाथों में इस तरह से पानी को होल्ड करके रखना है। ऐसा करने से भी आपकी हैंड मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी और ग्रिप इम्प्रूव होगी। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको कितनी देर तक अपने हाथों को इस पोजीशन में रखना है। आप इस एक्सरसाइज को तब तक करिए जब तक आपके हाथों में से सारा पानी ना बह जाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है थंब टू फिंगर बेस और फिंगर टिप्स। इसमें आपको अपने थंब के टिप से हर फिंगर के बेस पार्ट और फिंगर टिप्स को टच करना है। ऐसा करने से थंब मसल स्ट्रेंथन होंगी और अगर थंब मसल स्ट्रेंथन हुई तो आपके हाथ की ग्रिप भी इम्प्रूव होगी। ये एक्सरसाइज आप दिन में कभी भी कर सकते हैं जब भी आप फ्री हों। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर मिलती रहें। थैंक यू।